हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सो आईओबीएम का रिजल्ट आ गया यार, है ना। 17 तारीख को आने वाला था, बट इन्होंने सोचा कि यार मतलब ठीक है यार, अब हो गया है यार वैलेंटाइन वगैरह, तो रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। तो एमटीआई की वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे देख लो भाई, कट ऑफ वगैरह आएगी। तो देखो, अ टोटल ऑफ 451 स्टूडेंट, रिमार्क देख लो, हैज बीन सिलेक्टेड इन टॉप 450 कैटेगरी जो थी ना, 540 में से। फॉलोइंग रीजन, एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड इन दिस कैटेगरी। देखो, जो हमें एक्सपेक्टेड था भाई, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहां से 30-30 स्टूडेंट तो सिलेक्ट हुए ही है। कट ऑफ फॉर दिस कैटेगरी इज 38, 38 मार्क्स कट ऑफ है। मतलब हम लोगों ने जो बोला था भाई, 40 नंबर सफिशियंट रहेंगे, हाउ टू स्कोर मार्क्स इन 40, तो हमारी ये प्रिडिक्शन बिल्कुल सटीक बैठी है कि भाई 40 पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों के 38 से ऊपर है, उनका सबका सिलेक्शन हो गया है। अ टोटल ऑफ 97 स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड इन टॉप 19 क्लास 12। यहाँ पे कैटेगरी ऑब्वियसली कट ऑफ ज्यादा रहेगा क्योंकि सीटें कम थी। दिल्ली, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, यहाँ पे एटलीस्ट 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इफ फॉर एनी अदर रीजन रीजनल कोटा इज नॉट सेटिस्फाइड, तो 30 स्टूडेंट्स लिए गए हैं दोस्तों, तो वो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इफ फॉर एनी रीजन आइदर द रीजनल कोटा और द रीजनल कोटा वर इज नॉट फुलफिल्ड आफ्टर सिलेक्शन, द रिमेनिंग स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट इन आइदर कैटेगरी। अभी देख भी लेंगे अपन। द रीजन वाइज लिस्ट ऑफ ऑल्स आर एलिजिबल बाय वर्च्यू ऑफ स्कोरिंग एटलीस्ट 5 मार्क्स, 5% लाना जरूरी था, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जी गर्ल्स कोटा है M1 टॉप 450, M2 मेरिट लिस्ट के हिसाब से बेसिकली, R30 रीजनल कोटा इन दिस, एंड T6 ये हो गया। तो अब देखिए, रीजन वाइज कट ऑफ आप लोग के सामने है दोस्तों। तो रीजन वाइज कट ऑफ भाई, हमारा मेहनत काम कम कर दी इन्होंने। तो देखो, दिल्ली की 38 है, राजस्थान की भी, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स की 38 है, फिर 38 मुंबई की है, 38 ही महाराष्ट्र गोवा की है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 5-5 में सिलेक्शन हो गया, मध्य प्रदेश की 26 है। तो ये टॉप 30 की कट ऑफ है दोस्तों, ये टॉप 30 की कट ऑफ है। मेघालय से कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, सिक्किम से कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम से कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, त्रिपुरा से 8 कट ऑफ है। त्रिपुरा में थे दिबायू, दिबायू की स्टेट है ये शायद, ठीक है। आंध्र प्रदेश 33, तेलंगाना 38, यहाँ पे ये इस तरह है। आंध्र प्रदेश की 33 जाना मेरे लिए सरप्राइजिंग है ना, पहला एग्जाम होगा जहाँ पे आंध्र प्रदेश MI पे नहीं है एक तरह से। क्लास 12 की कट ऑफ भी दोस्तों आप लोग के सामने है। गर्ल्स कट ऑफ भाई, गर्ल्स सेलेक्ट करने की जो कट ऑफ है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना लेंगे और अगले साल की स्ट्रैटेजी भी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और चीज जो दोस्तों हमें आज पता चली है, वो ये है कि इनकी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस पर बनी है। वर्डप्रेस एक टेम्पलेट वर्जन होता है, अच्छी बात है। ये लिस्ट है, ठीक है। तो भाई रीजन वाइज अब हम बता देंगे आपको, जैसे देखो 8 से 11 दिल्ली रीजन में 38 कट ऑफ है, क्लास 12 51, गर्ल कोटा 34 पूरा। और क्लास वाइज इस बार मेरिट लिस्ट निकाली है भाई, क्लास वाइज देखिए 8 के इतना है, 9th के इतना है, 10th के इतना है, 11, बहुत अच्छा इस बार रिजल्ट है दोस्तों, आप लोग आराम से देखिए। और ये बच्चे इनमो लिखेंगे, ये पक्का है दोस्तों, ये बच्चे इनमो लिखेंगे, ठीक है। और अभी कि भाई जो टॉप 300 की लिस्ट है ना, वो नहीं आई है जिनको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, वो लिस्ट 17 तारीख तक आने की उम्मीद है दोस्तों। मेरा ये मानना है कि 17 तारीख तक ये लिस्ट आएगी। तो भाई जो भी बच्चे अगर सेलेक्ट हुए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं, अगर मेरी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है तो अपने रीजन मेंशन करें, स्टेट मेंशन करें, अगर मेरी वजह से हुआ है तो आप लोग प्लीज ये चीज मेंशन करें। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर इनमो, थैंक यू।